Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Hello viewers, I am Muhammad Abdul Habib. Welcome you all to AIIMS Tutorial for Accounts. Continuing with my topic, in this video I will be explaining other heads of income, profits from business or profession, and heads of income capital gain, then heads of income other sources. Coming to head of income, profits from business or profession. If income is derived by risk bearing, not by chance element, it is categorized as business income. अगर कोई एस सी को जो इनकम आ रही इट इज़ फॉर बियरिंग द रिस्क, ठीक है, वो बंदा जब कुछ बिजनेस करना, बिजनेस इज ऑलवेज सब्जेक्ट टू रिस्क बिकॉज बिजनेस में कुछ भी हो सकता, बिजनेस इज ऑलवेज सब्जेक्ट टू रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। ये बंदा जो उम्मीद से पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा, आगे जाके प्रॉफिट्स भी हो सकते हैं, आगे जाके लॉसेस भी हो सकते हैं। तो प्रॉफिट्स इज द रिवॉर्ड फॉर रिस्क टेकिंग। तो यहाँ पे जो बिजनेस में जो रिस्क लेके बिजनेस जो कर रहे, इससे जो इनकम आ रही इट इज कॉल्ड एज इनकम फ्रॉम बिजनेस। तो इफ इनकम इज डिराइव्ड बाय रिस्क बियरिंग एंड नॉट बाय चांस एलिमेंट इट इज कैटेगराइज्ड एज बिजनेस इनकम। एंड इफ एन इनकम इज डिराइव्ड बाय अ डॉक्टर बाय रनिंग ए क्लिनिक और नर्सिंग होम इट इज ट्रीटेड एज प्रॉफिट और गेन फ्रॉम प्रोफेशन। अब यहाँ पे एक डॉक्टर अगर एक क्लिनिक से प्रैक्टिस कर रहे या एक नर्सिंग होम खोल के प्रैक्टिस कर रहे, तो यहाँ पे जो इनकम आ रही it is not a business income, it is income from profession. Whereas if a doctor is working in a government hospital or any other hospital, let us take it as private hospital, then income derived by that doctor will be treated as income from salary. Let me read out this. If income is derived by risk bearing, not by chance element, it is categorized as business income. If income is derived by a doctor by running a clinic or nursing home, it is treated as profit or gain from profession, as the income is derived by practicing the profession. If the doctor is employed in a government hospital or any other hospital, then the income will be treated as salary income. तो यहाँ पे देखिए profit from profit business or profession में अगर कोई business कर रहे हैं और business से जो income आ रहा है it will be treated as income from business. अगर आप अपना कोई profession practice कर रहे हैं और उससे जो पैसे आ रहे हैं आपको it is treated as income from profession. अगर डॉक्टर की मिसाल ले रहे हैं आप, इफ ही इज वर्किंग इन ए गवर्नमेंट हॉस्पिटल और एनी अदर हॉस्पिटल, तो वहाँ से जो पैसा आ रहा इट विल बी ट्रीटेड एज हिज इनकम फ्रॉम सैलरी। नेक्स्ट कमिंग टू अदर हेड ऑफ इनकम कैपिटल गेन। दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द चैप्टर कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। तो इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में क्या होता, एनी इनकम विच इज डिराइव्ड बाई द एसेसी बाई सेलिंग और ट्रांसफरिंग द कैपिटल असेट। वहाँ पे कई तरह के कैपिटल असेट्स थे जो हम डिस्कस करें, जैसे कि गोल्ड ऑर्नामेंट्स थे, हाउस प्रॉपर्टी थे, स्टेट इक्विटी शेयर्स थे। तो वहाँ पे जो है ना पीरियड ऑफ होल्डिंग देख के हम ये डिसाइड कर रहे थे कि वेदर इट इज़ ए लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट और शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट, एंड द प्रॉफिट ऑन इट इज़ ए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। तो इफ द प्रॉफिट इज डिराइव्ड बाय सेल और ट्रांसफर ऑफ कैपिटल असेट, देन इट इज इंक्लूडेड अंडर द हेड इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। नेक्स्ट कमिंग टू हेड ऑफ इनकम अदर सोर्सेस। अदर सोर्सेस से पहले हम कौन से हेड ऑफ इनकम डिस्कस करें, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। एंड इनकम विच डज नॉट फॉल इन एनी ऑफ द अबव हेड्स ऑफ इनकम, दैट इज इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इन प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, और इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, ये चारों हेड्स ऑफ इनकम में अगर जो इनकम फॉल नहीं करती, such an income will come under the category income from other sources. Any income which cannot be included under any specific head is included under this head. मतलब जो income income from salary में नहीं आती, income from house property में नहीं आती, profit and gains from business or profession में नहीं आती, income from capital gain में नहीं आती, such an income will be included in income from other heads. How do we charge income from other heads? Income from other sources is computed in accordance with method of accounting regularly followed by SSE. SSE जो method of accounting follow करते हैं वो हिसाब से income from other heads को compute करते हैं। Method of accounting क्या है? The accounting method is followed either on cash basis or mercantile basis. Cash basis का मतलब क्या? Receipts are recorded only when received, payments are recorded only when they are paid. Mercantile basis क्या है? Receipts and payments are recorded though they are not received and though they are not paid immediately. यहाँ देखिए income from other sources is computed in accordance with the method of accounting regularly followed by SSE. If the books of accounts are kept on basis of cash system, income is taxable on receipt basis. क्योंकि यहाँ पे SSE जो follow कर रहे हैं वो cash system follow कर रहे हैं, तो
तो इनकम करवाते जब वो पैसे रिसीव करेंगे, हेंस इनकम इज टैक्सेबल ऑन रिसिप्ट बेसिस एंड एक्सपेंडिचर इज अलाउड एज डिडक्शन ऑन पेमेंट बेसिस। तो और एक्सपेंडिचर को आप कब अलाउ कर सकते हैं एज अ डिडक्शन? व्हेन द एक्सपेंडिचर इज पेड। और इनकम को कब आप ट्रीट कर सकते हैं एज एन इनकम? इफ इट इज रिसीव। क्यों? यहाँ पे द एसएससी इज फॉलोइंग कैश बेसिस, मतलब पैसा आया तो ही उसको एज एन इनकम रिकॉर्ड करेंगे या फिर पेमेंट करें तो ही उसको एज एन एक्सपेंडिचर डिडक्शन के लिए अलाउ करेंगे। Whereas if the books of accounts are maintained on the basis of mercantile system, मतलब due basis, income is taxable and expenditure is deductible on due basis, मतलब यहाँ पे अगर आपको income अभी आई नहीं, आने वाली है तभी भी आप उसको as an income record कर सकते हैं, अभी आप expenditure pay करें नहीं, करने वाले हैं तभी भी आप उसको as a expenditure record कर सकते हैं। Hope you have liked my video and if you like my video, do subscribe to my channel Aims Tutorial for Accounts. And if you are a new subscriber to my channel, don't forget to press the bell icon for further notifications. Do like my video, post your valuable comments and do share it with your friends, relatives and all. Your one share can help someone to learn something. See you all in next video with a new topic in this chapter. Thanks for your valuable time. Jazakallahu khair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.